10,000 से ज्यादा लाइसेंसी पिस्तौलें। भाई बना भाई का दुश्मन, महंगी जमीन से बड़ी नफरत, महंगे होटलों में खाने की आदत पड़ी, ब्रांडेड कपड़े और कीमती मोबाइल बने शौक, मवेशियों की जगह है घरों में लग्जरी गाड़ियां, 4 दिन की चांदनी और फिर गुड़गांव के देहाती इलाकों में अब खेतों में फसल बेहद कम नजर आती है, क्योंकि खेतों में या तो कोई इमारत बन गई है या फिर रहीसों के फार्म हाउस। किसानों के घरों में जहां खूंटों से मवेशी बंधे रहते थे, वहीं खड़ी हैं महंगी लग्जरी और इंपोर्टेड गाड़ियां, और किसान अब मेहनत छोड़कर लग्जरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसानों की जिंदगी पर दौलत के क्या साइड इफेक्ट्स पड़े हैं, ये विशेषज्ञों से जानते हैं। जैसे जैसे दिल्ली में जमीन की कमी होती रही, NCR के सबसे ज्यादा चाहने वाले डेस्टिनेशन गुड़गांव फरीदाबाद थे, और यहाँ जमीन के बिकने का न केवल जीवन शैली में फर्क आया बल्कि जीवन के अनेक पक्षों में बदलाव साफ स्पष्ट और उजागर होने लगा। किसानों की जिंदगी में आए ये बदलाव इनके घर परिवार और समाज पर भी पड़ रहा है। जमीन महंगी होने की वजह से छोटे से टुकड़े के लिए भी लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, और भाई भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। थानों में दर्ज ऐसे कई मामले इस बात का सबूत हैं। कपड़ों की महंगाई, खाने पीने की शैली, होटलों में आना जाना और उसके साथ साथ नए से नए वाहनों का प्रयोग करना, महंगे से महंगे मोबाइल का प्रयोग करना, पार्टियों का आयोजन करना, छोटी छोटी बात पर एक दिखावटी और उपभोगवादी जीवन शैली घर कर गई। छोटी छोटी बात पर गोली चला देना, शादियों में फायरिंग करना या घर में कोई छोटा मोटा जश्न हो तो छतों पर फायरिंग करना। जो किसान 10 साल पहले दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे, उन किसानों को अब महंगे होटलों में खाना खाने की आदत पड़ रही है। महंगे कपड़े खरीदना और कीमती मोबाइल रखना भी किसानों का शौक बन गया है। महंगी पिस्टल रखने का चलन भी इन दिनों गुड़गांव में बढ़ रहा है। गुड़गांव जिले के लोगों के पास 10,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं, जिससे समझना आसान है गुड़गांव के युवा किस तरह पिस्टल को स्टेटस सिंबल मान बैठे हैं। आर्म्स लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी डिटेल्ड है, और जब भी कोई अप्लाई करता है तो उसका ये देखा जाता है कि वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसको क्यों वेपन की ज़रूरत है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका लाइसेंस नहीं बनता है, और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही लाइसेंस बनाया जाता है। गुड़गांव में जब से लाइसेंस बनना शुरू हुआ है तब से अब तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 10,000 लोगों के पास आर्म्स लाइसेंस है। हर महीने करीब 12 से 15 हथियारों के लाइसेंस जारी हो रहे हैं। ज्यादातर लाइसेंस उन किसानों के होते हैं जिनकी जमीन बिक रही है और एक मोटी रकम भी मिल रही है। मनु मेहता, MH1 न्यूज़, गुड़गांव।